समूचे कांग्रेस के परिवार के लोगों को और देशवासियों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब देश में क्या परिस्थिति थी हम सब जानते हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत कम दल हैं जो 130-135 साल जनता की सेवा करने के लिए उनको सौभाग्य मिला है। और कांग्रेस पार्टी आज के दिन पुनः संकल्प लेती है कि हम जिस स्थिति में भी रहें, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम लोग जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। और आज तीन राज्यों में जो सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, इसके लिए मैं कांग्रेस के नेतृत्व को, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस आक्रमणता से उन्होंने भाजपा की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है, जो चुनौतीपूर्ण सवाल पूछे हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री जी और भाजपा दे नहीं पाए, जनता ने वह जवाब दिया है और शानदार जीत तीनों राज्यों में हुई है। ये आने वाले समय का संकेत भी है कि 2019 में जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तो जनता पूरा हिसाब किताब सूच समेत लेगी और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार देश भर में बनेगी। आज के स्थापना दिवस पर हम लोगों ने जो जिम्मेदारी हमको मिली है कांग्रेस के लोगों को सरकार बनाने की, तो सरकार बनाने के साथ साथ हम लोगों का दुगना दायित्व बन जाता है कि जो घमंड और अहंकार की सरकार यहाँ पहले थी उसको जनता ने हटाया है, और एक संवेदनशील सरकार जो संवाद के माध्यम से विनम्रता से जनता के काम कर सके, नौजवानों किसानों के चेहरों पर दोबारा खुशियां लौट सके, इस प्रकार का काम हमारी सरकार करने वाली है।